दोस्तों आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है हेयर फॉल यानी कि बालों का झड़ना। जो भी लोग इस समस्या से परेशान हैं अब तक वो काफ़ी सारे रिसर्च पेपर, वीडियोस, कुछ ऑनलाइन आर्टिकल देख चुके होंगे और अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में काफ़ी हद तक समझ भी चुके होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में ज़्यादातर लोग बात नहीं करते और जो हेयर फॉल का बहुत बड़ा कारण है। 50% से ज़्यादा मेल और फीमेल के अंदर हेयर फॉल का कारण है DHT यानी कि डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। अब टेस्टोस्टेरोन क्या है इसको समझें तो ये एक मेल हार्मोन है जो मेल बॉडी में प्रेजेंट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है फीमेल बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता, प्रेजेंट होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। इसलिए DHT मेल और फीमेल दोनों के अंदर ही हेयर फॉल कॉज कर सकता है। बात करें कि ये DHT काम कैसे करता है तो आपके हेयर फॉलिकल में जाकर ये वहाँ पे बाइंड करता है और आपके हेयर फॉलिकल्स को कमज़ोर करता है। धीरे धीरे आपके हेयर फॉलिकल वहाँ पे कमज़ोर होने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं और इस कंडीशन से होने वाला हेयर फॉल एक परमानेंट हेयर फॉल है यानी कि वो रिकवर नहीं किया जा सकता। इसके बारे में जब भी किसी थेरेपी या मेडिसिन की बात होती है तो कई सारी मार्केट में थेरेपीज और मेडिसिन अवेलेबल हैं, लेकिन इनका सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि ये DHT को तो ब्लॉक कर देती हैं लेकिन आपकी बॉडी के अंदर कई प्रकार के साइड इफ़ेक्ट देती हैं। जैसे मेल्स के अंदर ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कॉज करती हैं और इसके साथ मेल्स के अंदर और भी कई सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स को ये कॉज करता है। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे फूड आइटम्स के बारे में जो नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर DHT को ब्लॉक करते हैं, आपके हेयर फॉल की कंडीशन को रिवर्स करते हैं और धीरे धीरे कम्प्लीटली क्योर भी करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जो भी खाना खा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक हो, जिससे हमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले, हमें लाइफ के अंदर स्ट्रेस कम हो और हम एक हैप्पी हॉलिस्टिक वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करते हुए एक लाइफ को जिएं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि नींद पूरी नहीं हो पाती है। अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखें और अपनी डाइट के अंदर कुछ फूड आइटम्स को इंक्लूड करें जो DHT को ब्लॉक कर सकता है तो आप देखेंगे कि DHT से होने वाले हेयर फॉल से आप पूरी तरीके से बच सकते हैं, या अगर आपको इस प्रकार का हेयर फॉल हो रहा है तो उसको धीरे धीरे रिवर्स कर सकते हैं। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी पौष्टिक आहार ले रहे हैं उसके अंदर ये तीन चीज़ें प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है जो DHT को नेचुरली ब्लॉक करती हैं। पहला है जिंक, दूसरा है लाइकोपीन और तीसरा है बायोटिन। ये तीनों ही कंपाउंड इस तरीके से एक्ट करते हैं कि ये DHT को ब्लॉक करते हैं नेचुरली और आपके हेयर फॉलिकल्स को मजबूती प्रोवाइड करते हैं, स्कैल्प को मजबूती प्रोवाइड करते हैं और हेयर रीजनरेशन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। बात करें जिंक की कि जिंक किन किन आइटम्स के अंदर पाया जाता है तो आपके पालक, शलजम, मशरूम, इसके अलावा कुछ प्रकार की दालें, सोयाबीन और भी कुछ फूड आइटम्स के अंदर जिंक काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है। अगर आप इन सभी चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो ये नेचुरली DHT को ब्लॉक करता है और आपके हेयर फॉल से आपको बचाता है। इसके अलावा जो सेकंड कंपाउंड है वो है लाइकोपीन। लाइकोपीन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है आपकी गाजर के अंदर, टमाटर के अंदर, वाटरमेलन के अंदर यानी कि तरबूज के अंदर और आम के अंदर। तो जब भी इन सारे फ्रूट्स का सीजन आता है तो सीजनल फ्रूट आपको ज़रूर लेने चाहिए। ये नेचुरली DHT को ब्लॉक करते हैं, हेयर फॉलिकल को मजबूती प्रोवाइड करते हैं और हेयर रीजनरेशन के अंदर भी इसका काफ़ी अच्छा रोल देखने को मिलता है। जो अगला कंपाउंड है वो है बायोटिन। बायोटिन एक बहुत ही पावरफुल बी विटामिन है जो स्कैल्प को तो मजबूती प्रोवाइड करता ही है, बालों की रीग्रोथ के अंदर आपके हेयर फॉलिकल्स को स्ट्रेंथ देने में, मजबूती देने में काफ़ी ज़्यादा सहायक होता है। तो आप बायोटिन को भी ज़रूर लें। बायोटिन कुछ प्रकार के नॉनवेज आइटम्स के अंदर जैसे फिश वगैरह के अंदर प्रेजेंट होता है, इसके अलावा ये कुछ प्रकार की दालों के अंदर भी प्रेजेंट होता है, नट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, बेरीज के अंदर प्रेजेंट होता है। तो आप बायोटिन को भी अपनी डाइट में इंक्लूड करें, इन सभी फूड आइटम्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें, ये नेचुरली DHT को ब्लॉक करेंगे और आपके हेयर फॉलिकल्स को मजबूती प्रोवाइड करके हेयर फॉल को भी रोकने में बहुत ज़्यादा सहायक होंगे। इसके अलावा भी कुछ और फूड आइटम्स को आप अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि ग्रीन टी, जो आपके हेयर फॉलिकल्स को मजबूती प्रोवाइड करने में, अगर आपके हेयर के अंदर DHT जाकर उनको कमजोर कर रहा है तो उसको ब्लॉक करने के अंदर, बालों को स्ट्रेंथ देने में, बाल जो दो मुंह बाल हो गए हैं, बाल कमजोर हो गए हैं, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, ऐसी सभी कंडीशन के अंदर ग्रीन टी काफी ज्यादा हेल्प करती है। तो आप दिन में 2 से 3 बार ग्रीन टी ले सकते हैं। इसके अलावा जब भी आप नहाने जाते हैं उससे आधे घंटे पहले आप अनियन का अर्क यानी कि प्याज का अर्क अपने बालों में लगाएं, ये भी बालों को स्ट्रेंथ देने में, हेयर फॉलिकल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में, उनको स्ट्रेंथ देने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये कुछ चीज़ें
चीज़ें आप अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर हेयर फॉल से बच सकते हैं, DHT को ब्लॉक कर सकते हैं और इससे होने वाले परमानेंट हेयर फॉल से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और भी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो उससे रिलेटेड कई सारी वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। हमारे थ्रू वेलनेस सेशन लेने के लिए दिए गए नंबर्स पर कनेक्ट कर आप अपना सेशन भी बुक कर सकते हैं। मिलते हैं इसी प्रकार की एक नई वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच। बी हैप्पी, बी हेल्दी।